हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसको पाइलोरिक स्टेनोसिस भी कहते हैं और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो अब बात करेंगे आखिर ये है क्या। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज डिफाइंड एज अ नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक। सो पाइलोरिक स्टेनोसिस आखिर होता क्या है। स्टेनोसिस का मतलब होता है कि जब कहीं पर नैरोइंग हो जाए, और पाइलोरिक जो कि स्टमक का एंड पार्ट होता है, यहाँ पे ये पाइलोरिस होता है। सो उसमें जब नैरोइंग हो जाए और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने लगे तो उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। यहीं से ये शब्द आया है गैस्ट्रिक आउटलेट, यानी कि स्टमक का जो आउटलेट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है। और हाइपरट्रॉफी इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आया, बिकॉज इसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, इस वजह से हाइपरट्रॉफिक इसे कहा गया है। देन इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम मूविंग इन टू द इंटेस्टाइन। सो इसमें होता क्या है कि जब यहाँ पे फूड, जैसे ये नॉर्मल होता है, नॉर्मली फूड यहाँ पे आया और उसके बाद वो मूव कर जाएगा इन टू द इंटेस्टाइन्स। बट इसमें क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो स्पेस है ये बहुत ज़्यादा नैरो हो चुकी है। सो उसकी वजह से प्रॉपरली जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। सो जिसकी इसमें होता है कि इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, यानी कि इसमें यहाँ पे पाइलोरिस में नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं और साइज ऑफ द सेल भी बढ़ जाता है। सर्कुलर मसल्स ऑफ द स्टमक, यानी कि पाइलोरिस का हाइपरट्रॉफी भी होता है उसमें सेल्स में, और हाइपरप्लेजिया भी होता है जिसकी वजह से इनलार्जमेंट क्रिएट हो जाती है। अभी ये जो इनलार्जमेंट है ये या तो पार्शियल या तो टोटल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है। पार्शियल यानी कि यहाँ पे अभी थोड़ी जैसी जगह है तो ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और अगर ये कंप्लीट इसने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया तो ये टोटल ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट कर सकती है। नाउ द एग्जैक्ट कॉज इज अनआइडेंटिफाइड। अभी तक उसको पता नहीं चल पाया है कि आखिर पाइलोरिक स्टेनोसिस का मेन कॉज क्या है, बट ये लिंक करी जाती है जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर से, कि हो सकता है कि ड्यू टू सम जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये होता हो। अब सबसे ज़रूरी बात कि ये कोई भी कंजेनाइटल डिजीज़ नहीं है, बट ये अक्वायर्ड डिजीज़ है। कि अगर कोई पूछता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस एक्वायर्ड है या कंजेनाइटल, सो इट इज़ एन एक्वायर्ड कंडीशन, यानी कि ये जन्म के बाद देखने को मिलती है। अब बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स होंगे इस पर्टिकुलर डिजीज़ के। तो सबसे पहला होगा रीगर्जिटेशन। यहाँ पे आप डिजीज़ को कोरिलेट कीजिएगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा कि ये साइन एंड सिम्टम्स क्यों आखिर हो रहा है। रीगर्जिटेशन इस वजह से होगा बिकॉज फूड जो है वो अभी प्रॉपरली इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है और वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है विद इन द स्टमक, तो उसकी वजह से रीगर्जिटेशन ऑफ द फूड देखने को मिलेगा। देन आफ्टर नॉन बाइलस वॉमिटिंग, यहाँ पे बाइल नहीं होगा, जैसे बाइल जूसेस होते हैं वो नहीं होंगे, बिकॉज स्टमक में किसी भी तरह का बाइलस कंटेंट नहीं होता है। इसकी वजह से नॉन बाइलस वॉमिटिंग होगी, रीगर्जिटेशन होगा। और अगर प्रेशर ज़्यादा है या फिर जो फूड मटेरियल है, जो फीड है वो बहुत ज़्यादा है स्टमक में, तो नॉन बाइलस वॉमिटिंग भी हो सकती है। इन्फेंट फील हंग्री, अब क्योंकि जो भी फूड है वो बार बार वॉमिट हुए जा रहा है, उसकी वजह से जो इन्फेंट होगा उसको बार बार भूख लगेगी। फेलियर टू थ्राइव, यानी कि वो अपनी एज के हिसाब से प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। अब ऑब्वियस ही बात है, जो भी उसका फीड है अगर उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से फेलियर टू थ्राइव देखने को मिलेगी। देन कॉन्स्टिपेशन इस वजह से देखने को मिलेगा बिकॉज अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो चुका है तो फूड धीमे धीमे जा तो रहा है बट उतना ज़्यादा उसका प्रेशर क्रिएट नहीं होगा कि प्रॉपरली बावल पास हो सके, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन के लिए भी यही वजह है कि अगर टोटल या पार्शियल, ये ज़्यादातर टोटल के लिए हो गया कि अगर टोटल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया उसकी वजह से, तो क्योंकि इंटेस्टाइन ही हमारा मेन काम करती है वाटर अब्सॉर्प्शन में, इस वजह से भी। और दूसरा है बिकॉज ऑफ दी वॉमिटिंग, बिकॉज बेबी को वॉमिट हुए जा रहा है, इस वजह से डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा बच्चे में। देन डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो स्टूल पास तो होगा बट बहुत ही कम बार देखने को मिलेगा कि बच्चा बहुत ही कम बार स्टूल पास कर रहा है। देन एपिगैस्ट्रिक फुलनेस, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होगा वहाँ हमेशा पेट फूला फूला से रहेगा बिकॉज वो जो भी फीड है वो नीचे नहीं जा पा रहा है इंटेस्टाइन में, इस वजह से वो स्टमक में एक्यूमिलेटेड है,
जिसकी वजह से फुलनेस देखने को मिलेगी एपिगैस्ट्रिक रीजन में, विजिबल पेरिस्टैटिक्स इन एब्डोमेन। इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो विजिबली देखने को मिलेगा इन दी एब्डोमेन। अगर बेबी को जैसे भी आप फीड दोगे, सो आप उसके बाद उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो एब्डोमेन पे विजिबल होगा, वो दिखेगा। देन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग अच्छा क्यों होगी? बिकॉज अभी जो बेबी का स्टमक है वो बहुत ही ज़्यादा फुल है, उसकी वजह से जितना ज़्यादा फुल होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर की से जो भी फूड है वो रिलीज होगा बाहर की तरफ, इस वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखेगी। और एक और चीज़ होती है कि जो भी फीड देने के बाद विद इन 30 मिनट्स वॉमिट हो जाता है फूड, सो ये भी एक चीज़ होती है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स कब दिखते हैं? विद इन 3 to 12 वीक्स ऑफ द एज, जब बेबी डिलीवर होता है, जब जब जैसे न्यूनेट होता है, तो जब वो 3 to 12 वीक का होगा, जब उसकी जो एज है वो 3 to 12 वीक्स होगी, तब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। बिकॉज यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है या फिर टोटल, तो वो उसी पे डिपेंड होता है कि वो कितने दिनों में देखने को मिलता है। सो ये था हमारा टॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का। आई होप आपको ये समझ में आया हो। टिल देन थैंक यू।